सभी डीएलएड साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी का हमेशा कमेंट्स रहता है कि आखिरकार एक एग्जिट डेट क्या होगा एग्ज़ाम का। तो जी हाँ फ्रेंड्स, पीएनपी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है कि आखिरकार कब तक एग्ज़ाम होगा अक्टूबर माह में। जैसे आप सभी को पहले ही अवगत हमने कराया था कि जो पीएनपी है उनका कहना है कि डीएलएड 2019 बैच यानी फर्स्ट सेमेस्टर, डीएलएड 2018 बैच यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम प्रमोट करा के जल्द से जल्द अक्टूबर माह में एग्ज़ाम करवाए जाएंगे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। और फ्रेंड्स, जिनका पेपर बैक लगा है उनके लिए भी एक अच्छी, क्योंकि जो प्रशिक्षु 2018 बैच यानी जो थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु हैं उनका अगर फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बैक लग जाता है तो किस तरीके से क्या वो करेंगे, क्या वो फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम में बैठेंगे या फिर नहीं, आज के इस वीडियो में हम इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। तो जल्दी से ये वीडियो अपने फ्रेंड मित्र को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ डीएलएड परीक्षा, जो कि मैंने क्यों लिखा है गुड न्यूज़, क्योंकि आप सभी के कमेंट्स होते हैं क्या जो अक्टूबर है इसके फर्स्ट वीक में एग्जाम होना तय है। तो फ्रेंड्स, हमने कल ही आप सभी को बोला था कि अगर हम कहें तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या थर्ड वीक में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल नहीं है, सेकेंड वीक में या फिर लास्ट वीक में एग्ज़ाम करवाना पॉसिबल है। और देखिए फ्रेंड्स, इन दो ऑप्शन में से अब एक ऑप्शन रह गया है जो कि इसमें आज के इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो बैक प्रशिक्षु हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन, देखिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर कहें कि देखिए बैक वालों के लिए क्या किस तरीके का क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, और आज अगर आपने ई पेपर देखा होगा तो उसमें इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिया है। ठीक है, लेकिन अगर हम शॉर्टली में यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बोला गया है किस तरीके से क्या पूरा होगा, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बैक वालों साथियों का भी प्रमोट किया जाएगा, किस तरीके से क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, क्योंकि इसके पहले दो या तीन दिन पहले ये इन्फॉर्मेशन पीएनपी की तरफ से जारी की गई थी कि जो भी जिनका भी पेपर बैक लगा है उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर किस तरीके से उनको क्या पूरा प्रोसेस रहेगा। जैसे देखिए कोई प्रशिक्षु 2018 बैच का है, ठीक है, और जिन साथियों का फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में बैक हो गया है तो क्या वो थर्ड सेमेस्टर का भी पेपर देंगे, ऐसा नहीं है। जिस सेमेस्टर में उनका बैक लगा है उस सेमेस्टर का यानी जिस विषय में उनका बैक लगा है उसका एग्ज़ाम आप सभी का अक्टूबर माह में ही करवाया जाएगा। अभी आप सभी को हम ई पेपर दिखाएंगे और उसी के औसत अंक के आधार पर आप सभी को थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा और आप जिस तरीके से फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा उसमें आप शामिल जरूर होंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप सभी जो अपनी प्रिपरेशन है जिस भी विषय में आप सभी का बैक लगा है उसकी प्रिपरेशन करते रहिए क्योंकि अक्टूबर माह में आप सभी का एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी इस मतलब कि बहकावे में ना आए, पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और आप सभी का जो थर्ड सेमेस्टर के जो भी प्रशिक्षु हैं उनका सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर या फिर 2017 बैच के जो भी प्रशिक्षु हैं वो भी परेशान ना हो। ठीक है, जिस विषय में आप सभी का बैक पेपर लगा है उसके तैयारी करते रहें, आप सभी को फोर्थ सेमेस्टर में या आप कह सकते हो जो 2018 बैच के हैं उनको उस परीक्षा में बैठने का मौका जरूर दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे फ्रेंड्स अगर आप यहाँ ई पेपर देख सकते हो कि यही पेपर है और इसी में इंफॉर्मेशन दिया गया है एग्जाम से रिलेटेड। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हो कि बैक पेपर व अनुत्तीर्ण परीक्षु यानी जिनका पेपर बैक लगा है या फिर जो प्रशिक्षु फेल हो गए हैं अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनको सबसे पहले पास करनी होगी परीक्षा, उसके बाद वो फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम में बैठ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षु प्रमोट नहीं होंगे, बल्कि जिन प्रशिक्षुओं का बैक पेपर लंबित है या अनुत्तीर्ण है उन्हें पहले क्या करना होगा, संबंधित सेमेस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है जो 2017 बैच के प्रशिक्षु होंगे हो सकता है कि उनका थर्ड सेमेस्टर में बैक लगा हो। ठीक है, तो सबसे पहले उसका पेपर देना होगा, उसके बाद देख सकते हो ऐसे प्रशिक्षुओं को की तादाद करीब 25,000 है और उसके बाद ये प्रमोट किए जा सकेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा होगा कि जिस पेपर यानी जिस
सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है, सबसे पहले उसका एग्जाम देंगे और उसके बाद आप सभी प्रमोट किए जाएंगे, ठीक है। यानी जिस तरीके से थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है, सेकंड सेमेस्टर प्रमोट किया जा रहा है, वैसे ही जो जिस विषय में जिस तरीके का आपका नंबर आएगा उसी के औसत के अनुसार आप सभी को मार्क्स देकर प्रमोट कर दिया जाएगा, ठीक। और फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया और हम देख सकते हैं यहाँ पर जैसे देखे कि परीक्षाएं, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ से अगर हम पढ़े कि अक्टूबर में होने वाली परीक्षा के साथ ही बैक पेपर व अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को भी परीक्षा होगी, यानी जिनका पेपर बैक लगा है, ठीक है, उनका भी परीक्षा अक्टूबर माह में ही करवाए जाएंगे। इसलिए जो भी प्रशिक्षु, ठीक है, जो भी प्रशिक्षु इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर किसी किसी साथी का बैक पेपर लगा है तो इनको उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो, क्योंकि वो जो अपनी तैयारी है वो नहीं कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि साफ साफ इसमें लिखा गया है कि जिनका पेपर बैक लगा है उनकी परीक्षा अक्टूबर माह में करवाए जाएंगे और साथ में फोर्थ सेमेस्टर में भी वो शामिल होंगे, क्योंकि आप सभी को पता है तीन दिन जो डीएलएड का एग्जाम होता है वो करवा लिया जाता है, तो उसी तरीके से डेट शीट आएगी और एग्जाम करवाया जाएगा, ठीक। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ताकि उसी के रिजल्ट के आधार पर प्रमोट किया जा सके, ठीक, तो बैक साथी बिल्कुल भी परेशान ना हो। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर परीक्षाएं अक्टूबर के अंत तक शासनादेश में डीएलएड सहित अन्य कुल 7 परीक्षाओं को कराने का निर्देश दिया गया है और डीएलएड परीक्षा अक्टूबर में कराने का आदेश है। यह इम्तहान माह के अंतिम तक होने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ इस ई पेपर के माध्यम से आप कह सकते हो, जो कि क्योंकि आप सभी के जो भी डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं या फिर 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनका कहना था कि जो हमारा एग्जाम है नवंबर में होना चाहिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आई होप आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि अक्टूबर के अंतिम माह में परीक्षाएं कराने की उम्मीद है, उम्मीद है यानी आप कह सकते हो कि लास्ट में एग्जाम करवाए जा सकते हैं। इसके पहले कमेंट्स ये भी आते हैं कि जो डेटशीट है, डेटशीट जो होता है एग्जाम का, वो कितने दिन पहले आता है, तो 10 या 15 दिन पहले आ जाता है, ठीक। तो ये तो कन्फर्म है कि जो जो अब एग्जाम है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, जो भी बैक पेपर साथी हैं, ठीक है, वो अपना प्रिपरेशन करते रहे, उनको भी प्रमोट किया जाएगा, उनको भी, उनका भी सत्र लेट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप अपना प्रिपरेशन करते रहिए, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इन्फो जरूर करेंगे, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से जरूर प्रोवाइड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।